दोस्तों आज हम बात करेंगे बिडाल टेस्ट के बारे में पूरे डिटेल से कि ब्लड की सैंपलिंग कैसे करते हैं तथा कौन सा ट्यूब यूज करते हैं तथा जानेंगे बिडाल टेस्ट क्या होता है, बिडाल टेस्ट क्यों कराया जाता है तथा बिडाल टेस्ट का रिपोर्ट कैसे समझते हैं और हम यह भी जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइफाइड कितने टाइटर तक पॉजिटिव होता है तथा कितने टाइटर तक निगेटिव होता है। तो ये सभी चीजें जानने से पहले हम जान लेंगे टाइफाइड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, जिससे कि इसके टेस्ट को आसानी से समझा जा सकेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलेगी हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सेल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह इन्फेक्शन मोस्टली हमारे GIT के इंटेस्टाइन पार्ट में होता है। तो ये जो टाइफाइड फीवर होता है, इसका पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि बिडाल टेस्ट, टाइफी डॉट, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर अथवा बोन मैरो। तो ये सारे कुछ प्रमुख टेस्ट होते हैं जिससे कि टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा टाइफाइड का किए जाने वाले जांच बिडाल टेस्ट के बारे में। दोस्तों बिडाल टेस्ट जो होता है सेरोलॉजिकली ब्लड टेस्ट होता है जो नॉर्मली ब्लड से किया जाता है और यह टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट का खोज सर्वप्रथम जॉर्ज बिडाल ने किया था, इसलिए इस टेस्ट का नाम बिडाल टेस्ट है। तो बिडाल टेस्ट में क्या होता है, जो टाइफाइड कॉज करने वाला एजेंट होता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी एंटीजन बनाता है तो उसका पता लगाया जाता है और उसके टाइटर से पता लगाया जाता है कि कितने टाइटर तक पॉजिटिव है तथा कितने टाइटर तक निगेटिव है। लेकिन अगर WHO तथा CDC के अनुसार देखा जाए तो बिडाल टेस्ट एक विश्वसनीय टेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इस टेस्ट का रिजल्ट कई बार गलत भी आ जाता है। तो इसके लिए अगर आप इन्फेक्शन होने के लगभग एक हफ्ते के बाद टेस्ट कराते हैं तो आपका टेस्ट सही रिजल्ट शो करता है। अब बात करें सेल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में, तो जो सेल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्मोना टाइफी, जिसको एस टाइफी भी कहा जाता है, और दूसरा होता है सेल्मोनेला पैराटाइफी, जिसे एस पैराटाइफी भी कहा जाता है। ये जो सेल्मोनेला टाइफी होता है, इसके दो एंटीजन होते हैं, जिसे एस टाइफी ओ बोलते हैं तथा दूसरा एस टाइफी एच होता है, जिसको TO या TH एंटीजन भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है सेल्मोनेला पैराटाइफी, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सेल्मोनेला पैराटाइफी ए एंटीजन तथा सेल्मोनेला पैराटाइफी बी एंटीजन, यानी कि दोनों के दो दो एंटीजन होते हैं। अब ये जो ओ एंटीजन होता है वह प्राइमरी एंटीजन होता है और जो एच होता है उसे सेकेंडरी एंटीजन माना जाता है। अब बात करें रिपोर्ट कैसे देखेंगे, तो यदि आपके पास आपका रिपोर्ट है तो आप उसमें देखेंगे सेल्मोनेला टाइफी, ये किसी किसी रिपोर्ट में एस टाइफी लिखा होता है या कहीं ओ लिखा होता है। यदि किसी रिपोर्ट में ओ एंटीजन का टाइटर 1:80 या उससे नीचे है, यानी कि 1:40 है, तो जो टाइफाइड है वह निगेटिव होता है, यानी कि दोनों एंटीजन ओ तथा एच का एग्लूटेनेशन जो 80 से नीचे है तो टाइफाइड निगेटिव माना जाता है। अब अगर यदि ओ एंटीजन और एच एंटीजन का जो एग्लूटेनेशन है वह यदि 160 से ऊपर है या इसके बराबर है, तब जो टाइफाइड होता है वह पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर आपके रिपोर्ट में ओ एंटीजन यदि पॉजिटिव है तो आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, यानी कि अर्ली इक्वेट इन्फेक्शन है, और यदि एच एंटीजन पॉजिटिव है तो वह पास्ट इन्फेक्शन होता है और आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप्ड हो चुका है। तो हम देखते हैं बिडाल टेस्ट का रिपोर्ट। इसमें हम देखेंगे जो एस टाइफी ओ है वह 1:20 पॉजिटिव है, 1:40 पॉजिटिव है, 1:80 पॉजिटिव है तथा 1:160 भी पॉजिटिव है। इस रिपोर्ट में एस टाइफी ओ तथा एस टाइफी एच दोनों भी 1:160 तक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है। अब यह दूसरा रिपोर्ट है तो इसमें जो एस टाइफी ओ तथा एस टाइफी एच दोनों ही रिपोर्ट 1:40 तक ही पॉजिटिव है, तो इस रिपोर्ट में हम टाइफाइड को निगेटिव मानेंगे। तब हम इससे जान लेंगे कि हम तभी टाइफाइड पॉजिटिव मानेंगे जब हमारा टाइटर का रिपोर्ट 1:160 होगा या इससे ऊपर होगा, अदरवाइज हम उस रिपोर्ट को पॉजिटिव नहीं मानेंगे। और ये जो पैराटाइफी होता है यह बहुत ही रेयर होता है, यह किसी किसी लोगों में पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यह उतना सीरियस नहीं होता है टाइफाइड के केस में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमें सपोर्ट करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।